नमस्कार साथियों, आज के वीडियो में चर्चा करने वाले हैं अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस 2024 के महत्वपूर्ण परीक्षापयोगी प्रश्नों के बारे में। अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और वीडियो को लाइक कीजिएगा। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर एक है, अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस का आयोजन कब किया जाता है? अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस का आयोजन कब किया जाता है? इसके लिए चार ऑप्शन हैं, जिनमें से सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी, प्रत्येक वर्ष 21 जून को। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस का आयोजन प्रतिवर्ष 21 जून को किया जाता है, इसलिए सही आंसर है प्रत्येक वर्ष 21 जून को। अगला प्रश्न है, अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के आयोजन की शुरुआत कब से हुई? अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के आयोजन की शुरुआत कब से हुई? सही आंसर है 21 जून 2015 से। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के आयोजन की शुरुआत 21 जून 2015 से हुई थी, अर्थात पहली बार अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस 21 जून 2015 को आयोजित किया गया था। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सा कथन विश्व योग दिवस 2024 की थीम के रूप में चयनित है? निम्न में से कौन सा कथन विश्व योग दिवस 2024 की थीम के रूप में चयनित है? चार ऑप्शन दिए गए हैं, इनमें से सही आंसर है स्वयं और समाज के लिए योग। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस या विश्व योग दिवस 2024 की थीम थी स्वयं और समाज के लिए योग। सही आंसर है स्वयं और समाज के लिए योग। अगला प्रश्न है, विश्व योग दिवस का संबंध किस संक्रांति से है? विश्व योग दिवस का संबंध किस संक्रांति से है? चार ऑप्शन हैं, जिनमें से सही आंसर है ग्रीष्म संक्रांति से। विश्व योग दिवस का संबंध ग्रीष्म संक्रांति से है, क्योंकि विश्व योग दिवस ग्रीष्म संक्रांति को ही आयोजित किया जाता है। अगला प्रश्न है, विश्व योग दिवस को 21 जून को ही आयोजित करने का मूल कारण क्या है? विश्व योग दिवस को 21 जून को ही आयोजित करने का मूल कारण क्या है? इसके लिए चार ऑप्शन हैं, ग्रीष्म संक्रांति का दिन, उत्तरी गोलार्ध का सर्वाधिक लंबा दिन, योग और आध्यात्म की दृष्टि से उत्तम दिन, उपरोक्त सभी। इनमें से सही आंसर है उपरोक्त सभी। विश्व योग दिवस को 21 जून को ही इसलिए आयोजित किया जाता है क्योंकि एक तो यह ग्रीष्म संक्रांति का दिन होता है, दूसरा उत्तरी गोलार्ध का सर्वाधिक लंबा दिन माना जाता है, और योग और आध्यात्म की दृष्टि से भी उत्तम दिन माना जाता है, इसलिए सही आंसर है उपरोक्त सभी। अगला क्वेश्चन है, विश्व योग दिवस के आयोजन की शुरुआत करने में किस देश की अहम भूमिका रही? विश्व योग दिवस के आयोजन की शुरुआत करने में किस देश की अहम भूमिका रही? इसके लिए चार ऑप्शन हैं, इनमें से सही आंसर है भारत। आपको बता दूं, विश्व योग दिवस के आयोजन की शुरुआत करने में भारत की अहम भूमिका रही। अगला प्रश्न है, विश्व योग दिवस का आधिकारिक नाम क्या है? विश्व योग दिवस का आधिकारिक नाम क्या है? चार ऑप्शन हैं, इनमें से सही आंसर है अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस। विश्व योग दिवस का आधिकारिक नाम है अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस, इसलिए सही आंसर है अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस। अगला प्रश्न है, 21 जून 2024 तक कितनी बार अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस का आयोजन किया जा चुका है? 21 जून 2024 तक कितनी बार अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस का आयोजन किया जा चुका है? चार ऑप्शन हैं, इनमें से सही आंसर है 10 बार। 21 जून 2024 तक 10 बार अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस का आयोजन किया जा चुका है, अर्थात 21 जून 2024 को अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस की 10वीं वर्षगांठ थी। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सा सही सुमेलित है? निम्न में से कौन सा सही सुमेलित है? चार ऑप्शन हैं, इनमें से सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस 2022, मानवता के लिए योग।
इस प्रश्न में अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस और उनकी थीम दी गई है। अन्य सभी थीमें गलत हैं, जबकि ऑप्शन नंबर सी अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस 2022 मानवता के लिए योग यह विकल्प सही है, क्योंकि अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस 2022 की थीम थी मानवता के लिए योग। इसलिए सही आंसर हुआ अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस 2022 मानवता के लिए योग। अगला प्रश्न है, निम्न में से अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के आयोजन का मुख्य उद्देश्य क्या है? निम्न में से अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के आयोजन का मुख्य उद्देश्य क्या है? चार ऑप्शन हैं, इनमें से सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी योग और इसके लाभों के बारे में जागरूकता बढ़ाना। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के आयोजन का जो मुख्य उद्देश्य है वह है योग और इसके लाभों के बारे में जागरूकता बढ़ाना। अभी के वीडियो के लिए बस इतना ही। अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, और साथ ही साथ प्लीज़ वीडियो को भी ज़रूर लाइक कीजिएगा। धन्यवाद।